दोस्तों घर में इधर ब्यूटी पार्लर खुला है। रुक ना सन्ना, आगे चमड़ी निकली, तेरा दोस्त निकालूंगी मैं। दोस्त बोली नहीं उसने, दोस्त तो बोली। सीधा निकाल रही है ना, इधर निकालूंगी। बचत बचत करना चाहिए, चाहे आपकी चमड़ी निकल निकलना तेरा भी करने का है क्या? मेरी है ही नहीं मुझे। तुझे क्या सरी, पागल है? तेरे को देख क्या सरी में अच्छा रोक रही फिर अच्छे दसा सुनना, तू ऐसी कर रही ना दसा भी इधर से करके देख कर ऐसा होट कर दे, इसलिए मैं बोली तू भी कर ले जाके। मैं आईब्रो वाले के पास जाएगी ना, उसका खीमा बना दे लेकिन। हो गया? हाँ। मस्त की छोटी 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 मेरे कोई करने की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं जाके पार्लर में करवाऊंगी, मैं कुछ ऐसे नहीं करवाना। दसा का करवाना, दसा का करवाना। ये बोले होट होट को कैसा कर रही थी, होट को चमड़ी मत खींचना मेरी। दसा हिलने का नहीं रहता, तेरे को भी अभी बनाना पड़ेगा है ब्रो। वो कुछ नहीं है क्या, इसके इसके चमड़ी में बाल ही नहीं। अभी हुआ अभी हुआ ना हुआ 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 बोल के पूरा माथा चटक चट करने वाली क्या क्या मेरे बालों के बाल निकाल रही क्या तू? ये पागल मेरे बालों के बाल निकाल रही। बालों के बाल क्या होता है? सर के बाल निकाल रही है। बालों के बाल बोलते हैं फोर एच क्या बोलते हैं? अरे बस फोर इधर ला कि इधर के बाल निकाल रही पहले ही नहीं है। दसा क्या करवाना है गाइस, सुना आप लोगों ने? हाँ सुना सुना, दसा क्या करवाना है तेरे को? क्या था स्पेशल? क्या स्पेशल? स्पेशल चाय। पहले दशा ने बोला मुझे ना वो करवाना है, वो सारी क्रीम लगाते हैं ना वो, मैंने फेशियल बोलती हाँ, मुझे लगा उसका नाम है फेस वो ना क्या वॉश फेस, वॉश फेस करवाना है बोलती मेरे को। अच्छा हो गया वॉश मसाज नहीं बोला। आज भी तो बोलती जो चीज का नाम नहीं पता वो चीज करा रही, पहले नाम याद कर क्या? नाम याद कर क्या? फेशियल इस नन्ही सी चूजिया को फेशियल करवाना, फेशियल करवाना है। उन्हें लाइक क्यों पड़े? उनको फेशियल करवाना। मैं बच्ची नहीं रही, मैं पूरी 19 साल की हो गई। गाइस बुड्ढी शादी के लिए कोई लड़का तो ले, पूरी 19 साल की हो गई। हां तो मेरे को वो करने की बात थी, बड़ी बच्ची है, बच्ची नहीं बड़ी हो गई। शादी करवाने कोई लड़का होगा तो बताओ। मेरी क्यों कराए? इसकी शादी करवाने हम उल्टा करवाएंगे, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, मतलब शेप बड़ी जबरदस्ती है तुम्हारी। तू तो बोली बड़ी हो गई। मैं हाँ तो मैं बड़ी हो गई ऐसा बोले, ऐसा बोले क्या शादी करना है मेरे को? पूरी 19 साल की हो गई, 18 साल की शादी करवाते हैं। वो गए 18 साल वाला जमाना तुम्हारा, अभी 19 साल वाला आया ना। 19 साल नहीं अभी 22 साल वाला आया। अच्छा मतलब 2 साल बाद तू शादी कर लेंगे ना? 22 साल तो तू तो बोली 22 साल वाला जमाना आया, ये बोले 18 हो गए तो भी तेरे सगाई कर लेते ना। दिल्ली कैसे चाले कर रही, कोई देगा भी नहीं बहू बना के तुझे। तेरे पास ही पड़े रहो
वो भी नहीं रखेगी ऐसे चाली करी तो इसको क्या हो गया, ऐसी कौन किडनी चुरा ली वो बोल रहा मेरे को भी छोड़ दी क्या शादी करके। आए रावण सुत्ते इधर आ, ये मेरी बच्ची इधर आई। दरवाजा लगा उसको पता है मुंह पे हाँ, कभी कबाड़ का कभी क्या बॉटल बॉटल फिरा था मैंने बॉटल पे की दरवाजा खुला था कैसे है रहे तो अच्छी मेरे बच्चे को मार ही देगी। मुझे क्या पता, देखो दरवाजा खुला दिख रहा नहीं भाड़ घर का इधर लगा उस दिन दीवार लगी थी। चलो अंधे के जैसे भागता है ऐसा ना, उसको बॉटल दिख गई नहीं हमारे आंख के ऊपर से चल के भागता। दांत भी टूटे दीवार लगी थी। हाँ दीदी उस दिन चेहरे पर दीवार लगी था, अपन खेल रहे थे। भाई दीदी यार पंकज और निहारी का घर आ रहे क्योंकि कल संडे है तो कल उनको छुट्टी भी है तो उन लोग सोचे कि चलो आते हैं मजे करते हैं तो इसलिए पंकज और निहारी का इन लोग निहारी का आ रही है। तो अभी ना पंकज की फरमाइश है पनीर चिल्ली बनाने की, पनीर चिल्ली और भाकरी, तो पनीर वो आते आते लेके आएगा। हाँ गर्मी भी बहुत हो रही तो ना इधर मैं तैयारी कर रही हूँ सब भाजी वीजी काट कर, भाजी मीन्स कांदे लहसुन ये सब जो लगता है पनीर चिल्ली में और सब काट के रख रही हूँ। पंकज जैसे आएंगे हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो फटाफट जाती हूँ सब कांदे विंदे काट के लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो इधर सबसे पहले ना मैं कांदे की चटनी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़े से कांदे काट के लिए है और है ना एक मिक्सर जार में एक कटोरी शेंगदाने आधा कटोरी कोकोनट लिया है और है ना दो तीन मिर्ची ली थी और थोड़े से लहसुन लिए थे उसको पीस लिया मैंने और है ना बहुत टेस्टी बनती है चटनी, आप लोग भी एक बार ट्राई करना, ट्रैवलिंग में भी आप लोग लेके जा सकते हो। उसके बाद मैंने ना कढ़ाई में तेल रखा, तेल में मैंने कांदे डाले और है ना हल्का सा ब्राउन होने दिया, उसके बाद जो मैंने पीस के रखा था वो डाल दिया, उसके बाद नमक डाल के बन गई कांदे की चटनी। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर चिल्ली की कोटिंग, जो पनीर पे कोटिंग लगती है ना वो, तो स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें शो हो रही होंगी तो आप लोग वो चेक कर देना। उसके बाद वो कोटिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने क्या क्या को पनीर को फ्राई किया, इधर मैं हाफ के जी पनीर चिल्ली बना रही, पनीर हाफ के जी लाया था मैंने तो उस हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखे हुए हैं। और मैं आपको रेसिपी बता नहीं रही बोल के क्या क्या डाला है क्योंकि ना पिछली बार थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि स्क्रीन पे लिख लूँ आप लोगों को समझ जाएगा, क्योंकि रेसिपी तो सबको पता होती है सिर्फ क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है तो बस वही सब कर रही हूँ। अभी इधर ना मैं सॉसेस बना के रख रही हूँ डायरेक्ट चिल्ली के मिक्सर में, मतलब चिल्ली को मैं पनीर को तड़का लगाने वाली हूँ तो वो भी स्क्रीन पे सारा शो हो रहा होगा कितना क्या लिया है मैंने। और है ना साइड में इधर है ना मैंने ना एक कटोरी में ना एक दो चम्मच पानी लिया था, उसमें ना मैंने कॉर्नफ्लावर मिला के रख दिया था, आप उनको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए रहेगी इसलिए हम लोग को थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी क्योंकि हम लोग भाकरी के साथ खाने वाले थे। पंकज के घर में ना ये खाते पनीर चिल्ली और ये इसकी चटनी कांदे की और भाकरी, आज का खाने का मेन्यू ये था पंकज के पसंद का। तो फिर इधर पनीर चिल्ली की भी मैंने तैयारी चालू कर दी थी, मतलब उसको तड़का लगाने की पनीर को, तो सबसे मैं पहले ना इधर मैंने बारीक बारीक काटे हुए लहसुन डाले थे बहुत सारे, मैंने लहसुन और अदरक काट के रखे थे डाल के, तुरंत ही डाल के मैंने इसमें ना कांदा डाल दिया और इसमें शिमला मिर्ची भी तुरंत ही डाल दी और गैस की फ्लेम एकदम हाई रखी थी मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और मैं ना मतलब मिर्ची डालना भूल गई थी, घाई घाई हो रही थी ना बहुत, तो साइड में मैंने मिर्ची पीस के फटाफट साइड में ना मैंने डाल दिया था और उसको भी अच्छे से फ्राई कर रही थी ताकि मिर्ची का भी वो एक अजीब टेस्ट लगता है अगर मिर्ची भी पकी नहीं तो, पता नहीं क्यों, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ पकती नहीं ना तो उसका मुझे अजीब टेस्ट आता है। तो गाइस इधर है ना मैंने जो अभी सॉस सब एक कटोरी में मिक्स करके रखे थे ना वो डालने वाली हूँ इधर में, वो डालने के बाद अच्छे से इधर मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद है ना मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला जितना मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतना और है ना, और हाँ नमक भी डाल दिया था मैंने। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद जो हमने कॉर्नफ्लावर की ये बना के रखी थी लिक्विड स्लेरी वो भी डाल दी मैंने इसके अंदर और फिर जो फ्राई करके पनीर रखे थे वो भी डाल दिए और बहुत टेस्टी बनते हैं जैसा मैंने मेजरमेंट बताया है ना वैसे करेंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं। हाफ किलो पनीर के लिए, हाँ क्या
उसके बाद इधर मैं आ गई थी चावल की रोटी बनाने के लिए। तो इधर मैंने एक लोटा पानी लिया था भगोने में, उसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के अच्छे से बॉयल आने दिया। बॉयल आ गया था तो इसके अंदर है ना, फिर मैंने डाल दिया था इसका आटा, चावल का। चावल का आटा डालने के बाद जो रई रहती ना, रई या तो बेलना, उससे ना ऐसा घुटने का, पर अच्छे से बराबर ऐसा घुटता नहीं, रही या तो बेलने से ना ऐसा अच्छे से घुटता ही है। तो फिर इसको अच्छे से घोट के बंद कर दिया था और उसको निकाल दिया था परात में, और थोड़ा सा ठंडा होने लगा था। उसके बाद है ना मैंने अच्छे से गून के, अभी मैं इधर भाकरी डालने बैठी हूँ और बहुत अच्छी लगती भाकरी, पनीर चिल्ली और कांदे की चटनी, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना ये। और भाकरी तो मुझे इतनी, मतलब मैं अभी सीख रही हूँ, तो मैं आपको भाकरी का मतलब इतना ही, मेरे को भी नॉलेज नहीं है। मुझे पंकज की मम्मी बोलती थोड़ा थोड़ा डालेगी ना तो तू सीख जाएगी, तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं डाल पाती हूँ, बट ठीक है, मतलब मैं जितनी डाल लेती हूँ छोटी बहुत, तो वो तो भी टेस्टी, मतलब अच्छी बन जाती, नरम बनती है और अच्छी बनती है। तो ये मैं बना रही हूँ, बट मेरी भाकरी में ना कभी कभी शेप ही नहीं आता, तो इसमें भी शेप नहीं आया था। और इधर मुझे देखते देखते निहारिका को भी ऐसा लगा मुझे भी बनानी है भाकरी, तो वो भी बनाने लगी थी और मैं उसको सिखा रही थी कैसे बनाती हूँ। अभी अभी पानी ले मत, वही पानी से कर और ऐसे ऐसे पूरा पहले ना इधर, जब करने का है ना तो इधर पहले करने का, फिर उसके बाद इधर मोटा रहता ना, दोनों हाँ हाँ, फिर वापिस साइड के ऊपर करने का। अभी यही पानी से ऐसा घुमा, हाँ बस ऑलरेडी पा पतला हो गया ना, ये देखिए भी ये साइड भी हाथ के ऊपर की टूट गई थी। आप किधर? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो रहने दे रहने दे, उठा उठा, फिर वापस वो साइड में रख, जिधर टूटी उसको नीचे रख, पहले घुमा हाथ इधर, रुक पानी ले, हाँ घुमा इधर रख, जिधर टूटी उधर, टेंशन नहीं लेने का उसको, ऐसा लेने का, छोड़ो छोड़ो, फिर ऐसा करने का, देखो हाँ दबा ना, दबा उधर दबा, फिर ऐसा दबाने का, अभी ले घुमा रख, पहले यही रख, हाँ यही रखने वाली, जिधर टूटी उधर वापिस वैसा करने का, खींच 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 ना, चलता है आ जा, रुको जल्दी रुको, बाकी है थोड़ा सा, हाँ अभी ज्यादा ये मत कर क्योंकि पतला हो गया, ज्यादा पतली हो गई, हाँ वही पानी से जा, उठा और दाल फटाक से, A few minutes later. कैसा बना? चटनी कैसी लगी? मस्त बनी, तीखी भी नहीं है ज्यादा और अच्छी है मस्त। और चिल्ली? चिल्ली तो सेम है, एकदम बाहर देसी। The next evening. Hello guys, तो अभी शाम के ना 8 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं आश्रम, क्योंकि ना आश्रम में ना फूलों की होली है, तो हम लोग को मैसेज आया था आश्रम के ग्रुप में, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मस्त पेकी फूलों से होली खेलेंगे, तो चलो चलते हैं फिर। इधर अश्मिता दी धूनम ढांडी चालू, इसके पीछे से बड़बड़ कर रही, तो चलो चलते फटाफट। तो ये हम लोग पहुँच गए थे आश्रम और बहुत गर्दी थी, क्यों? क्योंकि सबको भाई के साथ होली खेलने की थी, हमको भी भाई के साथ होली खेलने की, बहुत मज़ा आया। पंकज फर्स्ट टाइम आया, उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, पूछने की बात नहीं, मतलब वो बोला कि बहुत मज़ा आया, और हम लोग को हर बार बहुत मज़ा आता है, तो आप लोग भी इंजॉय करो भाई के साथ होली खेलना। Yeah.
मिनट्स लेटर। दोस्तों इधर देखो, आशो आश्रम से निकल गए हैं, अभी इन लोग इधर आए हैं पानी पूरी खाने के लिए। डरती है क्या आशुजी? तो इन लोग सब जन पानी पूरी खा रहे थे और मुझे पानी पूरी पसंद नहीं, तो मैंने गुलाब जामुन खाया और गुलाब जामुन खा के हम लोग चले गए थे घर। हैप्पी होली माँ। मेरे को लगा माँ भाई को लाओ, भाई को लगा ही कलर बाबा भाई का, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। हैप्पी होली। भाई को भी हमने कलर लगाए। मैं ले लेके तो उसके पैसे खर्च है, लेके सामान हां तो सब लाए पूरा। हां तो मैंने सब ले जाना, मेरी इसके साथ में जाना। तो गाइस इधर हमारी बातें चालू थी, क्योंकि ना हमारे आसपास जिधर हमारा घर है उधर आसपास ना होली नहीं जल रही थी और हमको है ना होली की पूजा करने की थी, उसके बाद उधर से ना जलती हुई राख लाके हमारे घर के बाहर पूजा करनी, इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे कौन जाएगा। तो गाइस इन लोग ने ना सब ने मिल के मुझे यहाँ पर भेज दिया, तो इधर मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी और इधर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छा हुआ मैं इधर आ गई, पूजा करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन है ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, आश्रम में इतनी गर्दी, इतना रश और इतना गर्मी लग रही थी ना वहाँ पर, तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी अभी भी पूजा वगैरह तो करने की थी, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर और अच्छे से यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे थे हम लोग। दशा मेरे को थोड़ी गाइड कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद, अब पिछले साल मैंने नहीं की थी, शायद से शेफाल दी नहीं की थी, मैं शो पे होगी। तो फिर ये पूजा वगैरह हो गई थी, पंकज मुझे घर छोड़ के चला गया था और घर जाके मैंने भी पूजा वगैरह कर ली थी जो हमें पूजा करनी थी। गाइस ये हम लोग घर के बाहर पूजा करते हैं, मतलब अभी मैं होली के पूजा के लिए बाहर गई थी ना, तो उधर से ना थोड़ी सी जलता हुआ कोयला लेके आने का, वही कोयलों के अपने इधर ऐसी पूजा करने की। तो अभी इधर पूजा कर ली हूँ मैंने, अभी नानी आ रही पूजा करने के लिए। आकू दे सब। अश्मिता दी ने शेरू को भी लाई पूजा करवाने। डरना नहीं, टीका लगाओ, टीका The next morning. Hello guys, good morning. हो गया next day और आज है
है होली, तो आज ये ब्लॉग जाने वाला है। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कल रात को कुछ भी शूट करने मिला नहीं, क्योंकि ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि कल वो आश्रम में जाके इतना मज़ा किया हम लोगों ने, और ना इतनी मतलब ना थक गए थे, सारे कुर्ते वगैरह हम लोग के भीग गए थे, हम लोग ने इतना वो किया पसीने से, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद घर आ गई थी, घर पे भी सारी पूजा वगैरह की, और उसके बाद कुछ शूट नहीं किया। और मुझे ना ये ब्लॉग एडिट करके आज ही डालने का था, मतलब आपको मैंने पहले पिछले ब्लॉग में बताया था रेसिपी वीडियो में, क्या मैं ना अगली भी रेसिपीज डालूँगी, मतलब एक रेसिपी और है, मतलब और दो रेसिपी, तो एक रेसिपी का ही वीडियो आएगा। लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा कि आज के दिन ये ब्लॉग जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर दोबारा मतलब दो तीन दिन बाद जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा ये ब्लॉग का, इसलिए ये ब्लॉग आज ही डाल रही हूँ मैं, और रेसिपी वीडियो बाकी के जो ब्लॉग है वो मैं आगे डालती रहूँगी। तो बस फिर आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, तो बस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय, राधे राधे। और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली।